भी आई हुई है। मुरली सुनना है या अव्यक्त वाणी? मुरली माताएं मुरली तब बैलेंस ज्यादा हो गया। ओम शांति। मुरली चल रही थी प्रातः क्लास 11:68। पहले पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि गीता में कृष्ण का नाम किसने रखा। कोई ने तो रखा होगा। किसने रखा होगा है? किसने? फॉलोअर्स ने रखा होगा। गुरु जी ने नहीं रखा होगा। हाँ, फॉलोअर्स ज्यादा पापी है। किसने रखा होगा है? गीता में कृष्ण का नाम किसने डाला होगा? उसी के ऊपर कूद पड़े। जैसे छठी होती है ना, तो छठी पर नाम तो सभी के पड़ते हैं ना। बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है, उनका कोई दूसरा नाम नहीं है, जो आत्माओं का बाप है। उनकी बिंदी का ही नाम है। फिर जो बिंदी का नाम सिर्फ कहा जाता है शिव, माने कल्याणकारी, उनके मुकाबले वो है 100% कल्याणकारी सारी मनुष्य शक्ति के लिए, सर्वात्माओं के लिए। तो फिर 100% अकल्याणकारी कौन? तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो, तो शरीर का नाम बदलता जाता है। मैं तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता हूं, तो मेरी आत्मा का नाम बदलने का सवाल है ही नहीं। मेरी आत्मा का ही नाम शिव है। और वो सदा शिव है। क्या कभी अकल्याणकारी कभी कल्याणकारी ऐसी नहीं है। बिंदी जब लिखते हैं तो कह देते हैं शिव बिंदी। अब आत्मा तो अति सूक्ष्म, और आत्मा का अगर साक्षात्कार होता भी है तो कह देते हैं कि ये किसको समझ में नहीं आता है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार की चाहना बहुत रखते हैं। इसको कहा जाता है नौदा भक्ति।
नौधा माने नौधा भक्ति होती है, ऐसे ही होता है नौधा ज्ञान और नौधा योग। नौधा भक्त साक्षात्कार के लिए अपना शरीर भी दे देंगे, देवी का साक्षात्कार करके ही खुश हो जाएंगे। अच्छा, साक्षात्कार किया फिर क्या हुआ? कोई प्राप्ति होती है क्या? प्राप्ति तो कुछ भी नहीं। अब साक्षात्कार का अर्थ समझते ही नहीं। दर्शन कहो साक्षात्कार कहो, अर्थ क्या है? एक है शीशे में देखना, एक है स्वप्न में देखना और एक है साक्षात देखना। कुछ अंतर है या नहीं है? हैं? क्या अंतर है? साक्षात दर्शन अर्थात पूरा ही ज्ञान हो जाए, कोई प्रकार का अज्ञान न रह जाए, जिसका साक्षात्कार हुआ उसके बारे में, नहीं तो अनर्थ हो जाता है। सिर्फ देख लिया, समझा तो कुछ भी नहीं और प्राप्ति तो कुछ भी नहीं हुई। मीरा ने साक्षात्कार किया, कुछ प्राप्ति हुई क्या? पहचान हुई कृष्ण भगवान है या नहीं है? भगवान से क्या प्राप्ति होती है? अर्थ तो बिल्कुल समझते ही नहीं। उसको कहते हैं भक्ति मार्ग। कहेंगे सिर्फ नवधा भक्ति की, धा माने प्रकार, नवधा माने नौ प्रकार की भक्ति, नौ धा ज्ञान, नौ प्रकार का ज्ञान, नौ धा योग, नौ प्रकार का योग, साक्षात्कार करते हैं, दर्शन किया उसमें ही खुश हो जाते हैं। अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी हो जाती है, सदाकाल के लिए तो कुछ भी प्राप्त होता ही नहीं। अब संपूर्ण जानकारी हो जाए तो पूरी प्राप्ति हो ना। जीवन मुक्ति, मुक्ति प्राप्त हो जानी चाहिए। मुक्ति माने दुखों से, बंधनों से छुटकारा हो जाना चाहिए, सदैव के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाए, जीवन में रहते हुए मुक्ति प्राप्त हो जाए। परंतु वो तो होते ही नहीं।
कहेंगे वो सब है भक्ति मार्ग। सिर्फ साक्षात्कार किया, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई, और ये है ज्ञान मार्ग। ज्ञान अर्थात भगवान बाप को जाना, तो बाप से क्या मिलता है? बाप से मिलता है बेहद का वर्षा, बेहद का बाप है ना, तो बेहद का वर्षा है, बेहद की सुख और बेहद की शांति, तो बेहद के बाप से ही प्राप्त होती है। अगर नहीं प्राप्त होता, सिर्फ साक्षात्कार किया, गणेश का किया, हनुमान का किया, या कोई देवी देवता का किया, समझते हैं भगवान भगवती का साक्षात्कार हो गया, अब प्राप्ति उनसे क्या होती है? तो कहेंगे वो सब भक्ति मार्ग है, यहाँ तो ज्ञान मार्ग है। जान करके, समझ करके प्राप्ति क्या होती है? अब प्राप्ति क्या होती है? सारी गहराई जान करके तब आगे कदम बढ़ाते हैं। यहां अक्षर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का। यहां माने कहां है? हाँ, उस समय की बात बताई कि यहां जो आते हैं उनको अक्षर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का। फिर किसका? यहां आएंगे तो क्या ब्रह्मा का साक्षात करके चले आएंगे? ब्रह्मा माने दादा लेखराज, उनका साक्षात्कार किसी को हो जाए तो इतना साक्षात्कार करके ही चले आवेंगे क्या? बताया, यहां होता है पहले ब्रह्मा का साक्षात्कार, फिर कृष्ण का साक्षात्कार। ग्यारह और सत्य वाणी का दूसरा पेज तो समझेंगे। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम श्री कृष्ण पूरे बैकुंठ में जावेंगे, और फिर लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है, परंतु ऐसे तो नहीं है कि साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई। यज्ञ के आदि से ही बहुतों को ब्रह्मा के साक्षात्कार हुए, कृष्ण के साक्षात्कार हुए, लक्ष्मीनारायण के साक्षात्कार हुए, कोई की सदगति हुई क्या? नहीं, ये तो सिर्फ इशारा मिला कि यहां जाओ। सिर्फ जाने मात्र से कोई गति सदगति मिलने की बात नहीं साबित होती। और ये भी बताते हैं कि अभी तो बहुत थोड़ों को साक्षात्कार हुए, और आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होंगे, साथ साथ डायरेक्शन भी मिलेंगे। यहां जाओ, यह करो, तुम्हारा तो त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है। क्या पढ़ता है तुम्हारा? क्या मतलब? तुम्हारा त्रिमूर्ति, हमारा त्रिमूर्ति, उनका त्रिमूर्ति है? अच्छा, अखबार में पड़ेगा तो उससे क्या होगा? हाँ,
तीन मूर्तियों के बारे में सारी दुनिया को साक्षात्कार होगा, बुद्धि का साक्षात्कार होगा कि भारतवर्ष में जो गाते हैं विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला झंडा, तीन कपड़े दिखाते हैं, ये शरीर रूपी तीन वस्त्र कौन है जो सारे विश्व पर विजय प्राप्त कराते हैं? ये तुम भारतवासियों का झंडा है, इसे बुलंद करेंगे, इसको प्रख्यात करेंगे तो सारे विश्व में तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। परंतु कैसे? जब अखबारों में पढ़े, मीडिया में जावे, रेडियो में टेलीविजन में आवे, उन तीन मूर्तियों की सच्चाई के बारे में सारी दुनिया को पता चले। सिर्फ साक्षात्कार होने की बात नहीं है, उनकी बायोग्राफी का सारी दुनिया को पता पड़ना चाहिए। फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी नाम पड़ता है, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का सरपरस्त कौन? ब्रह्मा। पहली मूर्ति झंडे में नीचे जो हरा कपड़ा दिखाया हुआ है, इस बात की यादगार है, है? कौन ऐसी मूर्ति है जिसके मन में दृढ़ता से 100% हरित क्रांति हो गई, पक्का निश्चय बुद्धि हो गया कि मुझे स्वर्ग में जाना ही है? शरीर छूट गया तो भी उस आत्मा का निश्चय अधिक रहा, दृढ़ निश्चय बुद्धि। और जैसा मुखिया होगा, जैसा बड़ा होगा, बड़े को देखकर छोटे भी करेंगे, तो उनको जिन्होंने फॉलो किया वो सब पक्का निश्चय बुद्धि, क्या कि अगले जन्म में ये शरीर भल छूट जाए फिर भी हम कहां जाके जन्म लेंगे? नई दुनिया में जाके जन्म लेंगे। तो ये ब्रह्मा के साक्षात्कार की बात ये भी बहुतों को पता चलेगी कि इनके पास जाने से तुमको ये वैकुंठ का प्रिंसेस बनने का ज्ञान मिलेगा, या विष्णु लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होगा। वैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ, तो ये साक्षात्कार की बात बाप बैठ समझाते हैं, दूसरा तो कोई समझा ही नहीं सके। कहते हैं कि तुमको ऐसे कमल फूल समान पवित्र बनना है, परंतु स्थाई तो तुम नहीं रहते हो। क्या नहीं रहते हो? कमल फूल समान तुम स्थाई नहीं रहते हो। तुम ब्राह्मण नीचे ऊपर होते रहते हो, इसलिए ये कमल आदि के अलंकार चित्रों में शास्त्रों में तुमको नहीं दिए हुए। किसको दिए हुए हैं?
विष्णु को दे दिए हैं। नहीं तो ये विष्णु आदि जो देवताएं हैं इनको अलंकारों की क्या दरकार? जो मुख से सुनते हैं सुनाते हैं उसको ध्वनि कहा जाता है। तो जो विष्णु को शंख दिखाया गया है इस बात की यादगार है, उस ध्वनि की यादगार है जो ध्वनि निकलने से सारे संसार में आवाज फैल गई और सत्य असत्य के युद्ध की घोषणा हो गई। सारी दुनिया में क्रांति हो गई। वो कौन सा मुख है? अरे पहले तो कोई एक होगा, नहीं तो 70 साल से ये मुख की ध्वनियां निकलती चली आ रही। ब्रह्मा के मुख से ध्वनियां निकली, ब्रह्मा कुमारियों के मुख से ध्वनियां निकली, सरस्वती के मुख से ध्वनियां निकली, ध्वनि तो निकली ना। शंखनाद हुआ सारी दुनिया में? नहीं हुआ। क्रांति हुई? नहीं हुई। आवाज फैली? नहीं फैली। तो आखिरी कोई तो निमित्त बना होगा या ऐसे ही शंख ध्वनि की आवाज निमित्त बन गई विष्णु के कर कमल में, और वो भी ऊंची स्टेज का कर कमल है क्या? कमल फूल तो फिर भी नीचे के कर कमल में है और शंख ऊपर में है। बल लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में नहीं है क्या? लेफ्ट साइड में है। क्यों? राइट क्या करता है और लेफ्ट क्या करता है? लेफ्ट साइड जो है उससे कुछ अनिष्ट भी होता है और राइट साइड से कुछ भी अनिष्ट नहीं होता, अच्छा ही अच्छा काम किया जाता है। दान धर्म करते हैं कौन से हाथ से करते हैं? राइट हैंड से करते हैं। तो ये शंखनाद सत्य की भी स्थापना करता है और फिर असत्य का विनाश करने का भी कारण है। कमल फूल का राज भी बाप ही समझाते हैं। कहते हैं तुम ब्राह्मणों को इस कमल फूल के समान ऐसा बनना है। कैसा है? कमल फूल समान माने क्या हुआ? जैसे कमल का फूल कीचड़ में भी डाल दिया जाए, डुबो दिया जाए तो भी बाहर निकालेंगे तो कीचड़ का एक ही भी बूंद उस पर लिप्त नहीं रहेगा, ऐसे अलिप्त होकर रहता है। ऐसा ब्राह्मणों का जीवन होना चाहिए। क्या कैसा?
मतलब क्या हुआ है? पुरुषार्थ इतना तीव्र हो कि अभी अभी एकदम कीचड़ की दुनिया में संग के रंग में दिखाई दे रहे हैं, और अभी अभी चाहे तो एक सेकंड में कीचड़ की दुनिया से बुद्धि निर्लिप्त हो जाए, जितना समय चाहे उतना निर्लिप्त होकर के रहे, चाहे तो कीचड़ की दुनिया का मनन चिंतन मंथन करे, गहराई में जाए, और न चाहे तो न करे। कीचड़ की दुनिया में जा करके भी चाहे तो हीरे जवाहरात जैसे ज्ञान रत्नों को निकाल के लावे, लेकिन कीचड़ से प्रभावित न हो, बुद्धि एकदम निर्लिप्त बनी रहे। तो ऐसा कमल फूल समान बनना है, यादगार भी बनी हुई है। क्या यादगार बनी हुई है? है लक्ष्मी को भी कमल फूल के समान कमल फूल के ऊपर आसन पर बिठाया हुआ दिखाते हैं। लक्ष्मी कमल फूल के ऊपर बैठेगी तो नारायण नहीं बैठेगा क्या? है नारायण भी होगा, फिर नारायण होगा तो नारायण को जो नारायण बनाने वाला प्रैक्टिकल रूप कोई होगा या नहीं? हाँ, नहीं होगा। नर को नारायण और नारी को लक्ष्मी समान बनाने वाला कोई प्रैक्टिकल सदगुरु का रूप होगा या नहीं होगा? नारायण को सदगुरु तो नहीं कहते, कौन होगा? उसे कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। उनको भी आसन दिखाते हैं, कौन सा आसन? कमल फूल का आसन। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ही आत्माओं का पुरुषार्थ कमल समान जो जीवन बिताने वाला है उसके ऊपर भी आसन बनाकर बैठने वाला है। आसन कहाँ? कमल के ऊपर। जैसे कि शंकर को कोई छाल भी दिखाई जाती है जिसके ऊपर आसन लगाते हैं, कौन सी छाल है? है वो तो बाघ अंबर कहा जाता है। अंबर माने वस्त्र, वो तो पहनते हैं। जैसे कि शास्त्रों में उनको कुछ समय के लिए गजचर्मधारी भी दिखाया गया है, हाथी की खाल ओढ़ ली। लेकिन जिस छाल के ऊपर बैठकर तपस्या किए हुए दिखाते हैं वो कौन सी छाल है? मृगछाला कहते हैं। तो मृगताई की यादगार है, है? सीधा साधा प्राणी कौन सा होता है? मृग। और दौड़ने में
दौड़ने में भी बहुत तीखा होता है, तीखा पुरुषार्थी है लेकिन बहुत भोला भाला है। ऐसों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, मानो कि राजा बन करके बैठते हैं। जो तीक्ष्ण बुद्धि है, चाणे हैं, बड़े चतुर चालाक हैं, उनके ऊपर कंट्रोल, उनके ऊपर राजाई नहीं करते। किसके नाथ हैं? भोला नाथ कहा जाता है। ऐसे ही कमल फूल के ऊपर आसन दिखाया हुआ है। कोई विशेष भोली आत्मा है? इतनी भोली है कि सारा जीवन पर्यंत भगवान के साथ रहने के बावजूद भी बाप को नहीं पहचान पाती, भोलेपन के कारण। कौन है? हैं? औरों के बरगलावे में आ जाती है। उसका जीवन कैसा है? कीचड़ की दुनिया में है, ब्राह्मणों की दुनिया में नहीं है। क्या गृहस्थी लोग कहाँ रहते हैं? गृहस्थी कहाँ रहते हैं? कीचड़ में रहते हैं या आश्रम के पवित्र वातावरण में रहते हैं? कीचड़ में रहते हैं। उसके मुकाबले लक्ष्मी कहाँ रहती है? पवित्र वातावरण में रहती है। तो देखो कितना अंतर पड़ जाता है। क्या अंतर पड़ता है? ये अंतर पड़ता है कि एक है गुलाब का फूल, फूलों की रानी, और दूसरा है कमल फूल। रुद्रमाला के मा के कौन से फूल हैं? कमल फूल हैं। नहीं तो कीचड़ में कोई फूल की पंखड़ियां डुबो दी जाएं और बाहर निकाली जाएं तो सारी पंखड़ियां टूट फूट जाती हैं। लेकिन कमल का फूल इतना मजबूत होता है कि बिखरता नहीं है। तो ये जगत पिता जगदम्बा की ऐसी जोड़ी है जिसकी मिसाल कौन से फूल से दी जाती है? कमल फूल से दी जाती है। तो ये कमल फूल का बाप राज बतलाते हैं कि तुमको ऐसा बनना है। किसको बनना है? दोनों ब्राह्मणों को नहीं बनना है, इन ब्राह्मणों को नहीं बनना है। क्या तुम बच्चों को ऐसा बनना है? कौन से बच्चों को? जो बाप के प्रैक्टिकल पार्ट के सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं, उनको ऐसा कमल फूल समान जीवन प्रैक्टिकल जीवन में बिताकर दिखाना है। ऐसे नहीं कि मिट्टी के ढेले की तरह थोड़ी सी माया की ठोकर लगी और बिखर गए। गदा है पांच विकारों रूपी माया को जीतने का है। अस्त्र शस्त्र भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई शस्त्र होते हैं बड़े तीखे धारदार होते हैं और कोई शस्त्र धारदार नहीं होते हैं। क्या जो तलवार है बुद्धू भी चला सकता है कि बुद्धिमान ही चलाएगा?
जो बुद्धिमान होगा वो तलवार चलाएगा, नहीं तो बंदर जैसा मिसाल हो जाता है। किसी बंदर ने देखा किसी आदमी को दाढ़ी बनाते हुए, वो आदमी कहीं दूसरी जगह गया थोड़ी देर के लिए, उसने भी उठाया यूं लगाया, सारा चेहरा कट गया। तो तलवार चलाने के लिए भी बुद्धि चाहिए, तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए। तीक्ष्ण बुद्धि होगी तो तलवार अच्छा काम करेगी, बुद्धू होगा तो तलवार से अपना ही नुकसान कर लेगा। तो जो बुद्धू जैसे होते हैं, बुद्धि थोड़ी थर होती है, उनको दिखाया जाता है गदा। क्या इसलिए विश्व के चित्र में राइट साइड में जो नीचे का शस्त्र है, नीचे भुजा का, वो दिखाया है गदा। अर्जुन तीक्ष्ण बुद्धि था या भीमसेन तीक्ष्ण बुद्धि था? अर्जुन तीक्ष्ण बुद्धि था, उसको भगवान ने गीता का ज्ञान सुनाया। नहीं तो अर्जुन बड़ा था या भीम और युधिष्ठिर बड़े थे? वो बड़े थे, उनको सुनाना चाहिए, उनको नहीं सुनाया। किसको सुनाया? अर्जुन को सुनाया। क्यों? क्योंकि भीमसेन बुद्धि का थोड़ा मोटी बुद्धि था, चाहे दुर्योधन हो चाहे कर्ण हो, जो मोटी बुद्धि होते हैं उनके हाथ में फिर गदा दिखाई गई है शास्त्रों। गदा युद्ध में तीखे हो सकते हैं, तो वो गदा दिखाई गई है विष्णु के दाईं ओर के नीचे हाथ में। पांचों विकारों में से कोई भी विकार का वार होगा, क्या करते थे? ये ड्रामा की जो गदा है ना, ड्रामा कैसा है? गोल गोल, वो डंडा, डंडे के ऊपर गदा रखा हुआ है। मारी मार कोई भी विकार हो, बस हाँ, ड्रामा की ढाल। ढाल भी मोटी चमड़ी की होती है, पतली चमड़ी की? गेंडा होता है ना, गेंडा की खाल बहुत मोटी होती है, उस खाल के ऊपर कोई भी तलवार का वार काम ही नहीं करता। तो गदा की बात दिखाई कि कोई भी विकार का वार होता है, गदा के आधार पर, गदा के वार पर उस विकार का मुकाबला ब्रह्मा बाबा कर लेते थे। तो बाप उपाय बताते हैं, क्या गदा किस बात का सूचक है? पांच विकारों पर जीत पानी हो तो ड्रामा की ढाल आगे करो बाबा की याद में। तो विकारों पर जीत पाए सकते हो और साथ में तुम्हारे पाप कर्म भी भस्म होंगे, क्योंकि बाप की याद में गदा चलाते हो ना। श्रीमत पर पतित पावन बाप को याद करो, अपनी मनवत पर याद ना करो। क्या? नहीं तो बहुत से ऐसे होते हैं जो याद की बात में अपनी मनमत लगाई देते हैं। कैसे? कहते हैं राम की आत्मा और शिव बाबा की आत्मा कोई अलग अलग आत्मा थोड़ी है। जो राम की आत्मा है वही शिव की आत्मा है। अब ये मनमत है या ईश्वरीय मत है? ये तो मनमत हो गई। अगर राम की ही आत्मा ईश्वर की आत्मा होती, शिव होता, तो राम की आत्मा क्या पूर्व जन्मों से चक्कर नहीं काटती आई? उन पूर्व जन्मों में क्यों नहीं वो कार्य करके दिखाया? क्या कारण हुआ?
राम की आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा है और शिव जन्म मरण के चक्र में ना आने वाली आत्मा है। इतनी बात को भी नहीं समझ पाते। पावन बनाने वाला वो ही हो सकता है जो खुद कभी भी पतित न बना हो, वो ही पावन बना सकता है। बल पावन बनाने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, पतित शरीर में आता है, लेकिन जब तक पतित शरीर में है तब तक कोई भी पतित से पावन क्या बन सकता कि नहीं है? जब तक पतित शरीर में आता है एवर प्योर, तब तक कोई पतित से पावन बन सकता है या नहीं बन सकता है? नहीं बन सकता। कब बन सकता है? जिस पतित तन में आता है वो पतित तन पहले पहले बाप समान बने। शिव के साथ शंकर का नाम भी ऐड होने काबिल बने, तब पतितों को पावन बनाने की मशीनरी तेज हो जाती है, मिंचो मोटर तैयार होगा। ये भी शरीर रूपी मोटर है ना। पतित दुनिया में सब सब पतित और पावन दुनिया में सब सब पावन। तो बोला एक पतित पावन के सिवाय कोई दूसरा पावन बनाने वाला नहीं है। बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही हो इसलिए कि हम सबको इस शरीर से छुड़ा करके पावन दुनिया में ले चलो। क्या इस शरीर से छुड़ा कर इस पतित शरीर के बंधन से छुड़ा कर पावन दुनिया में ले चलो तो मैं क्या करता हूं? क्या करता हूं? क्या बिंदु रूप में ले जाता हूं? पतित शरीरों से छुड़ा करके पावन दुनिया में ले जाने का कार्य क्या बिंदु रूप में करता हूं? पावन दुनिया परमधाम में ले जाऊंगा तो क्या बिंदी बन करके ले जाऊंगा? हाँ, इस स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर भी मौजूद है हर एक का। पहले सूक्ष्म शरीर पावन बनेगा या पतित शरीर पावन बनेगा? पहले सूक्ष्म शरीर पावन बने, और सूक्ष्म शरीर को पावन बनाने के लिए बनाने वाला भी बिंदी चाहिए या सूक्ष्म शरीरधारी चाहिए? सूक्ष्म शरीरधारी ही चाहिए। इसलिए झाड़ के चित्र में दिखाया है कि आत्माएं जब पावन बनकर के परमधाम में जा रही हैं तो बीच में शंकर का चित्र दिखाया हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, कहते हैं, परंतु क्या कोई स्वर्ग पधारता है? स्वर्ग में जाते हैं या नरक में ही गोते खाते रहते हैं? अगर ऐसे सब स्वर्ग पधारते जाएं तो नरक की दुनिया तो खाली हो जाएगी, लेकिन नरक की दुनिया तो बढ़ती जा रही है या खाली हो रही है? बढ़ रही है। इससे साबित होता है कि कोई स्वर्गवासी नहीं बनता। स्वर्गवासी बनने के लिए तो देह और देह के संबंधों से मरना पड़े। तो स्थूल मरने की बात नहीं है,
बाप आकर तुमको जीते जी मरना सिखाते हैं, ऐसा मरना सिखाते हैं कि तुम शरीर में भी रहो और शरीर में रहते हुए ही जब चाहो तब मन बुद्धि रूपी आत्मा को दसों इंद्रियों और ग्यारह में मन के ऊपर कंट्रोल करने वाली आत्मा शुद्ध बन करके रहो। ये शरीर अलग दिखाई दे, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अलग हो जाए, संपूर्ण फरिश्ता अनुभव करो। फरिश्ता अर्थात फर्श की दुनिया वालों से कोई ममत्व नहीं, फर्श की दुनिया का कोई भी अजीज संबंधी शरीर छोड़ दे अचानक और आंख में आंसू आ जाए तो फरिश्ता कहेंगे है? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट साबित हो जाता है। स्वर्ग पधारा तो आत्मा भागती है ना, नरक की दुनिया को छोड़ के कहां भागेगी? सुखधाम में भागेगी। बाप ही आकर सभी आत्माओं को पति से पावन बनाते हैं तो पावन आत्मा ऊंची स्टेज में भागती है, नहीं तो देवान से, देवान के कारण बुद्धि ऊपर उठती ही नहीं। अपवित्र आत्माएं बाप के घर में अथवा स्वर्ग में जा ही नहीं सकती। क्या? जितना जितना अपवित्र आत्मा होगी क्या पहचान होगी? पहले तो खुद को पहचान हो जाए कि मैं अपवित्र आत्मा हूं या पवित्र आत्मा हूं। कैसे पहचानेंगे? अरे अरे कोई तो बताए हैं? क्या एक्टिविटी से? अच्छा क्या एक्टिविटी करें? छलांग लगाएं, ऊंची छलांग लगाएं तो पतित पावन आत्मा है? यूनिटी से पता चलेगा। यूनिटी तो जब बहुत बहुतों की बात हो गई, हम सिर्फ अपनी बात कह रहे, हमको कैसे पता चले? हर एक को अपने अपने अंदर कैसे पता चले कि मैं आत्मा पावन बन रही हूँ, बनी हूँ या पतित हूँ? परसेंटेज में मैं पावन बनी या अपवित्र हूँ? नहीं, पावन आत्मा बनेगी तो निराकारी स्टेज में परमधाम में टिकने की अभ्यासी हो जाएगी। जितना लंबे समय तक परमधाम में स्टेज में उस निराकारी स्टेज में टिकने का अभ्यास होता जाता है तो समझो हम आत्मा पावन बने हैं उतनी स्टेज में, उतनी ही परसेंटेज में। नहीं तो बार बार प्रयास करते हैं परमधाम की स्टेज में टिकने का, घर को याद करने का, बार बार बुद्धि नीचे आ जाती। तो पतितात्माएं स्वर्ग में अथवा परमधाम में जा नहीं सकती है। बाप कहते हैं ऐसे पवित्र बनना है जो सुखधाम में बुद्धि टिके लंबे टाइम तक और आत्मलोक में परम धाम में बुद्धि टिके, निर्वाण धाम में बुद्धि टिके लंबे समय तक। क्या उसके लिए क्या करो? अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। ये पाप कट है,
क्या आत्मा पर जंग चढ़ी हुई है पापों की, ये उतर गए? तो जिस सुई में से जंग उतर जाएगी तो चुंबक स्वतः ही खींच लेगा। बाप के नजदीक हम जाना चाहें, रहना चाहें, अनुभव करना चाहें और जंग चढ़ाते जाएं, तो आत्मरूपी सुई बाप के नजदीक पहुंचेगी या दूर ही बनी रहेगी? दूर की दूर ही बनी रहेगी। मैं गारंटी करता हूं कि इस याद से तुम्हारे पाप कटते जावेंगे। बुलाते ही है पतित पावन आओ, क्या और आकर के हमको पावन बनाओ ही नहीं, क्या? चलो हटाओ, पावन बना दिया। हाँ एक तो आओ, हाँ आकर के पावन बनाओ। ब्रह्मा में आए, पावन तो कोई बना नहीं। जो पहली स्टेज है पवित्र बनने की स्टेज, वो ही अनुभव नहीं हुई, प्योरिटी का अनुभव नहीं हो रहा है। प्योरिटी के लिए क्या गायन है, स्लोगन दिया हुआ है? नहीं, पवित्रता सुख शांति की जननी। हाँ पवित्रता सुख शांति की जननी है। जहां जहां पवित्रता होगी वहां सुख और शांति बढ़ेगी, घटेगी नहीं। आत्मा शांत स्वरूप अनुभव करे, छोटी छोटी बातों में अशांत ना हो जाए। जो आत्मा जितनी अपवित्र होगी उतना ही दमचक्कर मचाएगी और दूसरों को भी डिस्टर्ब करेगी, खुद उद्वेलित होगी और दूसरों को भी उद्वेल पैदा कर देगी। तो पहली बात, मुझको बुलाते हैं इसलिए आओ, बुलाते हैं आओ। अरे आओ क्यों, पावन बनाने के लिए आओ। फिर बस पावन बनाने के लिए आओ, और पावन बनाकर इतने से ही काम पूरा नहीं होगा, पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। क्या नई दुनिया में ले चलो, ले चलो, ले चलो। अरे ले करके तो वो जाएगा जो खुद पावन दुनिया में जावेगा, स्वर्ग में। नई दुनिया में जाता है शिव? शिव नई दुनिया में जाता है? नहीं जाता, दुल्हे कहां से जाएगा? हाँ जिसको आप समान बनाए, बाप आकर जिसको बाप समान बनाए वो मीडिया हो जाता है, उसके साथ हम स्वर्ग का अनुभव इसी दुनिया में करेंगे। नई दुनिया तो जब सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा तब आएगी, तब आएगी। वो एवरलास्टिंग प्योर दुनिया नहीं है, क्यों? वहां उतरती कला होगी, चढ़ती कला होगी, वहां तो उतरती कला शुरू हो जाएगी। एवरलास्टिंग पवित्र दुनिया, नई दुनिया कौन सी होगी, कहां होगी? यहां होगी। और उस नई दुनिया में ले जाने वाला प्रैक्टिकल में चाहिए। तो बाप को बुलाते हैं, और बुलाने के साथ साथ क्या इच्छा रखते हैं, पावन बनाओ, और पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो कैसे जावेंगे है? पावन दुनिया में कैसे जावेंगे है? बिंदी को याद करके जावेंगे?
धर्म पिताएं बिंदी को याद करते हैं जाते हैं है? ब्रह्मा और ब्रह्मा को फॉलो करने वाली आत्माएं जो भी बिंदु को याद करने वाली बनी चाहे सरस्वती ही क्यों न हो पावन दुनिया में गई कहेंगे पवित्र बनी कहाँ चली गई अरे यही तो बात हो रही है कि आओ पावन बनाओ और पावन बनाकर कहाँ ले जाओ पावन दुनिया में ले जाओ तो वो आत्माएं जो बिंदु को याद करने वाली बेसिक में है या थी वो तुम्हारे मुकाबले ज्यादा पावन बनी या नहीं बनी है ज्यादा समझू बनी या नहीं बनी नहीं बनी पावन बनाओ और पावन बनाकर साथ साथ नई दुनिया में ले जाओ और नई दुनिया का खाका ही उनकी बुद्धि में पूरा बैठता ही नहीं नई दुनिया का जो नक्शा है वो उनकी दुनिया बुद्धि में बैठ रहा है नहीं बैठ रहा तो नई दुनिया में जाने के लिए पहली शर्त तो नई दुनिया की पहचान होनी चाहिए तो कैसे जावेंगे प्रश्न किया कितनी सीधी बात बताते हैं बाप जैसी सहज नॉलेज और कोई सुनाई नहीं सकता इतनी सीधी बात और कोई बता ही नहीं सकता कहते हैं कि काम काज करते हुए मेरे को याद करो बैठ करके याद करते हैं मन बुद्धि में किटकिटी लगाते हैं निराकारी स्टेज बने और कुछ याद ना आए तो कठिन है या सहज है वो तो कठिन हो गया सहज तो याद वो है जो चलते फिरते उठते बैठते काम करते भी सहज याद आती रहे वो तब ही होगा जब बाप की पूरी पूरी पहचान बुद्धि में बैठेगी नौकरी आदि बल करो क्या बल क्यों लगा देते हैं ऐसी ऐसी जगह है? है? नौकरी आदि बल करो भोजन बनाओ ये इसमें बल नहीं लगाया नौकरी आदि भल करो भोजन बनाओ तो भी याद में रह करके करो तो तुम पावन बनते जावेंगे तुम्हारा भोजन भी शुद्ध होगा इसलिए तो गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है कौन सा हुआ ब्रह्मा भोजन है जो बाप की याद में रह करके बनाया जावे वो ब्रह्मा भोजन हुआ ब्रह्मा भोजन हुआ अरे ब्रह्मा की याद में रह के बनाया जाए तो ब्रह्मा भोजन हुआ या बाप की याद में रहकर बनाया जाए तो ब्रह्मा भोजन हुआ है फिर ब्रह्मा भोजन नाम क्यों दिया काम के आधार पर नाम पड़ता है ना है? है? ब्राह्मण बनाए ब्रह्मा का नाम आया ब्राह्मण भोजन नहीं नाम ब्राह्मण भोजन नहीं है, है? शुद्ध भोजन नहीं हम नहा धोकर के बनाएंगे पवित्र जल लाएंगे पवित्र पवित्र अन्न लाएंगे शुद्ध भोजन बनाएंगे अशुद्ध नहीं होगा
आप बाप की याद में तो बाप भोजन होना चाहिए ना, ब्रह्मा भोजन क्यों भोजन दिया है बाबा? हाँ माता जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा के तन में बाबा आते थे ना, ब्रह्मा बा के तन में शिव बाप आते थे ना, इसलिए ब्रह्मा भोजन हुआ। हाँ हाँ, ब्रह्मा भोजन नाम दिया है तो जरूर जिसकी याद करेंगे वो साकार रूप भी कौन हुआ? ब्रह्मा हुआ। ब्रह्मा के बगैर याद भी नहीं कर सकते, ब्रह्मा के बगैर कोई प्राप्ति भी नहीं हो सकती। ब्रह्मा कोई एक नहीं है, अनेकों के नाम ब्रह्मा रखे हुए हैं। शास्त्र में पंचानन चतुरानन ब्रह्मा गाया हुआ है। तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा शब्द जब बोलते हैं तो दादा लेखराज की ही याद आए, नहीं। ब्रह्मा बोला तो प्रजापिता भी ब्रह्म है, और जहां प्रजापिता लगा हुआ है वहां वो ब्रह्मा भी जरूर है। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा, ये प्रवृत्ति है क्या? ब्रह्मा की प्रवृत्ति नहीं है लेकिन प्रजापिता की प्रवृत्ति है। एक ही आत्मा ऐसी है जो प्रवृत्ति मार्ग की 100% पक्की है, इसलिए हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है। तो ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है कि ऐसी याद में बना हुआ भोजन जिसमें ब्रह्मा की भी याद समाई हो और शिव की भी याद समाई हुई हो। ये बच्चियां भी भोग ला जा ले जाती हैं, कहाँ ले जाती है? हैं? ये बच्चियां जहां भोग ले जाती हैं वहां महफिल होती है। किसकी महफिल होती है? हैं? वहां मेल होता है, उसको कहते हैं महफिल। किसकी महफिल होती है? ब्राह्मणों की और देवताओं की महफिल होती है। उन ब्राह्मणों में देवताएं प्रवेश करते हैं तो महफिल हो गई ना। ब्राह्मणों की भी महफिल है और देवताओं की भी, देव आत्माओं की भी महफिल होती है। वहां ये बच्चियां भोग ले जाती है। ऐसे नहीं कोई ऊपर सूक्ष्म बतन है जहां भोग ले जाती है। जो भी संदेशियां भोग ले जाती हैं, समाचार लाती हैं, संदेश सुनाती हैं, वो यादगार कहां की है? हैं? वर्तमान समय के तुम ब्राह्मणों की और उन देव आत्माओं के मेल की महफिल की यादगार है। ब्राह्मणों देवताओं का मेला लगता है, मेला माने मिलन। जैसे बड़े से बड़ा देवता महादेव है, उसमें कौन से देवता का मेल होता है? हाँ, ऐसी देवात्मा का मेल होता है जो सतयुग में जितने भी देवात्माएं होंगी 16 कला संपूर्ण, उनमें पहले नंबर का पत्ता है, उसका मेल होता है। ऐसे ही नंबरवार और ब्राह्मण भोजन स्वीकार करने आते हैं। कौन कौन आते हैं? हैं? वो देव आत्माएं स्वीकार करने आती हैं तो क्या सूक्ष्म शरीर से स्वीकार करती है? हैं? किसके शरीर से स्वीकार करती है? प्रजापिता के तन में वो पहला पत्ता ब्राह्मण देवता जो सत्यगुरा पहला पत्ता बनेगा, वो पहले ब्राह्मण में प्रवेश करता है।
तब भोजन स्वीकार करता है। इस राज को वो संदेश ले जाने वाली संदेशियां नहीं जानती। अगर इस बात को राज को जान जाए तो संकल्प आती है दूर दूर भागेंगे, घृणा करेंगे नहीं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो ये मंत्र जपते हैं, ब्रह्मा देवताय नमः। सन्यासी लोग तो ब्रह्मा को ही याद करते होंगे, क्या कहा है, जब वो भोग लगाते हैं तो सन्यासी लोग किसको याद करते हैं, वो तो ब्रह्मा को ही याद करते हैं। है कहाँ की बात, ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। ये जितने भी सफेद पोश सन्यासी हैं जो 24 घंटे सफेद वस्त्र पहनते हैं वो कौन से धर्म के है? वो सन्यास धर्म के हैं, सन्यासी हैं। इसलिए बोला जब बड़े बड़े सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। अब ये बात दूसरी है, चाहे वो गंगा के कुल के हों और चाहे वो चंद्रवंशी हों। ओम शांति।